Hey, what's up everyone? My name is Pankaj और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रूज कंट्रोल के बारे में कि इस फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। नाउ मेरे पास जो गाड़ी जैसे आप देख सकते हैं ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन डीजल ऑटोमेटिक और इसके मैंने कुछ और भी वीडियोज अपने चैनल पर बनाए हैं जिसका मुझे बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड आई एम टू मच थैंकफुल टू यू। तो इस गाड़ी का जो क्रूज कंट्रोल है उसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इट्स वेरी इजी और आई थिंक बाकी की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें भी शायद ये जो क्रूज कंट्रोल का फंक्शन है वो आई थिंक सेम ही तरीके से काम करता होगा, कुछ नया नहीं होगा क्योंकि मेरी पहली ऑटोमेटिक गाड़ी है। सो आई एम एक्सप्लोरिंग लॉट ऑफ थिंग्स और जिन भाइयों ने ये गाड़ी अभी अभी ली है जिनको अभी पता नहीं है कि कैसे क्रूज कंट्रोल को यूज करना है तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने गाड़ी कर ली है स्टार्ट और क्रूज कंट्रोल को यूज करने के लिए आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा क्रूज, ये काम करता है इस बटन के साथ विच इज सेट। यहाँ पर एक प्लस है और एक नीचे माइनस है तो इन दोनों बटन्स को हम यूज करेंगे और क्रूज कंट्रोल जो है आपका एक्टिवेट होगा। नाउ इस बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे ऐसे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है क्रूज स्टैंड बाय। ठीक है, क्रूज स्टैंड बाय का मतलब है कि क्रूज एक्टिवेट हो चुका है। गाड़ी मेरी अभी स्टडी पोजीशन में है, खड़ी हुई है, ये एक्टिवेट तो है मगर अभी यूज में नहीं है, स्टैंड बाय पर है। और आपको उसको स्टैंड बाय पर कैसे डालना है उसको डालने के लिए आपको इस बटन का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए गाड़ी को डालते हैं ड्राइव मोड में। अभी ऑलरेडी ड्राइव मोड में हम खड़े हुए हैं, मैंने रियलाइज नहीं किया। तो अब मैं अपनी ब्रेक से पैर हटाऊंगा, ये हमारी गाड़ी ने पकड़ी स्पीड। नाउ आई थिंक एक इनके मैनुअल के हिसाब से एक नंबर होता है जिससे नीचे क्रूज कंट्रोल काम नहीं करता। आई एम नॉट श्योर वो नंबर क्या है बट मेरे हिसाब से शायद 30 या 25 है और उस नंबर से आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको डिजिटल स्पीड जो क्लियरली अभी दिख रही है 49-50 के आसपास हम हैं। अब क्या करना है कि हमारा क्रूज कंट्रोल जो हमने स्टैंड बाय पर डाला था, मैं क्या करूँगा सिंपली इस बटन पर जाऊँगा और इसको ऊपर की तरफ प्रेस कर दूंगा और आप देखिए ग्रीन साइन आ गया सामने। इसका मतलब यह है कि क्रूज कंट्रोल अब एक्टिवेट हो गया है। पैर जो है मैंने हटा लिए हैं एक्सेलरेटर से और ब्रेक से और मेरी गाड़ी अब आराम से आप देखिए 53 की स्पीड पर स्मूथली चल रही है। ये तब बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, आपको एक हाईवे कवर करना है 200-300-400 किलोमीटर का, तो आप इसको इजीली एक्टिवेट करेंगे एंड देन पैरों को आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। बट इस गाड़ी में स्कॉर्पियो एन में आपको लेन असिस्ट नहीं है तो स्टेयरिंग आपको स्टिल कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टेयरिंग भी छोड़ दें। तो ये है। नाउ दूसरी चीज़ ये है कि इस पोजीशन में जब मेरा क्रूज कंट्रोल चल रहा है, देखिए आपको दिखाई देता हूँ ग्रीन लाइट आई हुई है, मैं चाहूँ तो इसकी स्पीड को एक्सेलरेटर से बढ़ा सकता हूँ, ये डीएक्टिवेट नहीं होता। ये देखिए मैंने बढ़ाया और ये नहीं हुआ। मगर अगर मैं ब्रेक प्रेस करूंगा, मान लीजिए अचानक से कोई सामने आ गया, ब्रेकर आ गया, जैसे ही मैंने ब्रेक प्रेस करी अब देखिए क्रूज कंट्रोल स्टैंड बाय पर वापस से चला गया। ठीक है, ये टेक्निकली ऐसा डिजाइन किया जाता है। तो ये अपने आप दोबारा स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा और आपको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, ऑलरेडी स्टैंड बाय मोड पर है तो आपको दोबारा से सिर्फ इस बटन को जो कि है प्लस, एक्चुअली आज क्या है अपने ट्राईपॉड घर भूल गया जल्दी जल्दी मैं, तो आज मैं अपने हाथ से ही फोन को पकड़े हुए हूँ राइट हैंड से एंड देन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर द थिंग्स। तो इसको क्या है कि मैंने ऊपर की तरफ प्रेस किया और मेरा क्रूज कंट्रोल लग गया। देखिए 38 की स्पीड पर भी क्रूज कंट्रोल काम कर रहा है। चलिए ट्राई करते हैं कि इससे लो स्पीड पर भी लग जाता है क्या, मतलब ये भी एक टेस्टिंग हो जाएगी यार, कहीं पढ़ा तो था मैंने। अब हमारी स्पीड है गाड़ी की 30 पर अगर मैं करूं तो नहीं, देखिए 30 पर काम नहीं कर रहा है। मैं थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाऊंगा, मे बी 35, नहीं। सो आई थिंक द स्पीड इज 40। अगर 40 से नीचे मेरी गाड़ी की स्पीड है तो क्रूज कंट्रोल काम नहीं करता है। चलिए ये चीज भी मैंने आज टेस्ट कर ली क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो आज टेस्टिंग भी हो गई। अब 40 से ऊपर है, 40 से ऊपर मैंने क्रूज कंट्रोल को बटन को प्रेस किया और ये जो है एक्टिवेट हो गया। नाउ क्योंकि गड्ढे बहुत है सड़क में तो मुझे ब्रेक लगानी पड़ी और मेरा क्रूज कंट्रोल चला गया स्टैंड बाय पर। चलिए अब आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही बढ़िया सी चीज, ये है वर्ल्ड स्ट्रीट। आई डोंट नो फोकस ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। सो ये वर्ल्ड स्ट्रीट है फरीदाबाद सेक्टर 81 में और मैं यहीं रहता हूँ। मैंने अभी एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया, अपनी फैमिली के साथ मैं शिफ्ट हुआ हूँ और ये अपार्टमेंट मैंने यूट्यूब के पैसों से नहीं लिया जैसा कि लोग अपने वीडियोज में बहुत बखान करते हैं, ये मैंने अपनी मेहनत से लिया है जिस जॉब में प्रोफेशन में हूँ। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, खाली सड़कें हैं, सुबह सुबह का टाइम है, 5:48 है। हालांकि मैं घर से निकला था ऑलमोस्ट 4:35 पे, थोड़ा सा इधर उधर मैंने गाड़ी चलाई, अंधेरा था तो वीडियो शूट नहीं कर पाया। फिर मैंने एक वीडियो शूट भी किया, अनफॉर्चुनेटली उसकी
क्लैरिटी तो ठीक थी बट उसका फोकस नहीं आया, मैं जो चीज दिखाना चाहता था स्टीयरिंग का वो सब नहीं आया था। तो इधर उधर की बातें थोड़ी सी मैंने इसलिए कर ली कि बोरिंग नहीं होना चाहिए यार वीडियो। बट थैंक यू सो मच गाइस, इस चैनल को आपने इतना प्यार दिया कि बहुत कम समय में मेरे 4,000 घंटे तो यार पूरे हो गए, 2-3 वीडियो नहीं कर दिए। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैं आपको टेक्निकल चीजें ज्यादा बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ गाड़ी दिखा दी कि इसमें ये है वो है, ये कंपनी दे रही है नहीं दे रही है, वो भरा पड़ा है यूट्यूब पूरा, राइट। माई इंटेंशन इज टू शो यू कि कोई चीज अगर है तो वो क्यों है, टेक्निकली वो कैसे काम करती है, एंड दैट्स वेयर आई कम इन टू पिक्चर। सो थैंक यू सो मच गाइस, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेता आऊं। अब मुझे चाहिए एक कप चाय, तो मैं ढूंढ रहा हूं, अगर मुझे कोई टपरी वाला मिल जाता है तो मैं प्रॉब्ली चाय प्रेफर करूंगा। मौसम बहुत अच्छा है, चाय वाला ही मौसम हो रहा है ऑनेस्टली। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि क्रूज कंट्रोल को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड एट द सेम टाइम एक चीज और हमने एक्सपेरिमेंट कर ली कि 40 की स्पीड मिनिमम होनी चाहिए आपके गाड़ी की, तभी आप क्रूज कंट्रोल लगा पाएंगे। अगर आपके पास कोई और ऑटोमेटिक गाड़ी है लाइक क्रेटा है या आपके पास फॉर्च्यूनर है या कोई भी है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी गाड़ी में क्या ये जो स्पीड है 40 ये सेम ही नंबर है, क्योंकि ये महिंद्रा का स्टैंडर्ड हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि बाकी की कंपनियों में ये क्या होता है, बट प्रॉब्ली आई माइट बी रॉन्ग। सो कमेंट जरूर करें अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव पार्डन माई टंग, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 4,000 घंटे तो यार आप लोगों ने मुझे दे दिए, बट सब्सक्राइबर भी दे देंगे तो यार इस गरीब तो नहीं कहूंगा बट हाँ इस बेचारे का भला हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आई विश यू गुड लक। और वीकेंड तो आने वाला है, आज है फ्राइडे, मैं इस वीडियो को ऐसे ही डालूंगा अनकट टोटली, और आई होप यू विल एंजॉय इट। सो सी यू वेरी सून माई फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड गुड बाय।